ये जोमसम का एयरपोर्ट और ये है एयरपोर्ट का द्वार। जोमसम से लगभग 25 किलोमीटर का सफर तय करके मैं पहुंच चुका हूं मुस्तांग। नारायण नारायण, बड़ा ही अच्छा अद्भुत नजारा यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जोमसम में भी आपका स्वागत है। तो रात को यहाँ पे -2 टेम्परेचर दिखा रहा था, हालांकि अभी भी दिखा रहा -1, लेकिन उतनी सर्दी जो है फील नहीं हो रही है जितना वो टेम्परेचर दिखा रहा है। तो अभी चलेंगे यहाँ से मुक्ति धाम के लिए। पहले मुस्तांग जाएंगे, उसके बाद जाएंगे मुक्तिनाथ धाम, और थोड़ा पैदल का भी सफर है वो भी देखेंगे, और उसके बाद दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो चलते हैं यहाँ से पहले गाड़ी पे और फिर निकलते हैं मुक्तिनाथ के लिए। यह जोमसम का एयरपोर्ट और यह है एयरपोर्ट का द्वार, देख लीजिए। और मैं आपको दिखाता हूँ चांदी से चमकता हुआ पहाड़, एकदम बर्फ जमी हुई सफेद बाइक, बहुत ही सुंदर। अपर मुस्तांग के लिए अपना सफर शुरू हो चुका है, और ये देखिए हमारे साथ साथ काली गंडकी नदी भी चल रही है, और बहुत ही ऑफ रोडिंग। और यहाँ आकर के जो है लद्दाख की याद आती है, हालांकि मैं लद्दाख कभी गया नहीं, लेकिन मैंने वीडियो में देखा है तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ भी जैसे पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ भी पेड़ नहीं हैं और घास वास भी नहीं है पहाड़ों पे, तो मिट्टी टाइप के ये पहाड़ हैं, और यहाँ पर जो है कोई पेड़ वेड़ नज़र नहीं आ रहा। ये वाली जो सड़क है मैग्नेटिक हिल की याद दिलाती है, वहाँ पे भी ऐसे ही है, और सामने ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी खेती नज़र आ रही है, ये देखिए, और फिर ये एक बस्ती है, कोई गाँव है। यहाँ पर धूप खिली हुई है और सामने दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ के पहाड़। वैसे आनंद आ रहा है, और गाड़ी में बैठे हैं इसलिए अभी सर्दी का यहाँ कोई एहसास नज़र नहीं हो रहा है। तो आगे अभी देखते हैं वहाँ पे कितनी ठंड है, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी 1 के आसपास बता रहा है, तो हो सकता है वहाँ जाके टेम्परेचर माइनस में ही मिलेगा। जोमसम से लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं पहुँच चुका हूँ मुस्तांग, और देखा तो मैं आपको, ये देखिए बर्फ़ की पहाड़ियाँ, और ये बस स्टैंड मुस्तांग का, यहाँ पे बस भी खड़ी है सारी। जो भी जो मौसम से आइए, ये देखिए, और ये देखिए बर्फ के पहाड़। मुक्तिनाथ जी के लिए मेरा अब सफर स्टार्ट हो चुका है, और ये देखिए रास्ता, मुश्किल से 3 फीट का रास्ता भी नहीं है जिस पे मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का भी व्यू, ये देखिए, लेकिन यहाँ आकर के एक सुख की और खुशी की जो अनुभूति हो रही है वो मैं बयां नहीं कर सकता। बड़े दिनों से तमन्ना थी यहाँ पे आने की, मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने की, वो आज पूरी होने जा रही है। तो आज मैं दर्शन करूँगा मुक्तिनाथ जी धाम के, और यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट का रास्ता है अभी, और वहाँ से फिर हमारी सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो लगभग 300-350 सीढ़ियाँ हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए यहाँ का नज़ारा, ये है जी मुस्तांग, और ये लगी हुई है यहाँ पे दुकानें, ये देखिए मेरे राइट साइड में, यहाँ पे आप कोई भी सामान ले सकते हैं पूजा का, सब चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। काफ़ी चौड़ी रोड है ये, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर ट्रैफिक का तो कोई काम है नहीं, तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत आसानी है चलने में। कुछ सवारी हमारी पोनी पे जा रही हैं और कुछ पैदल जा रहे हैं, अभी 2 के लिए और घोड़ा करना है हमें। ये आ गया एक घोड़ा, ये आ गया हमारा। हमारे ग्रुप में 10 मेंबर हैं, और 10 में से मेरे ख्याल से 7 से 8 ने जो है पोनी कर लिया, और ये इसी से सफ़र करने वाले हैं, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं पूरा सफ़र जो है वो पैदल ही करूँगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए बहुत ही अच्छा रास्ता है, साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी है रास्ते पर। Okay.
कोई ज्यादा लंबा सफर नहीं था, शायद 10 मिनट लगे होंगे हमें यहाँ तक आने में। ये आप देख सकते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल द्वार। तो इस द्वार से ही स्टार्ट हो जाती है हमारी सीढ़ियाँ, ऐसे हमारा सफर शुरू होता है सीढ़ियों से। और ये लगभग 335 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और ये हम चढ़ के जाएंगे ऊपर। और बड़े अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं सीढ़ियाँ, देखिए 3 सीढ़ियाँ चढ़ो उसके बाद में फिर फ्लैट एरिया आ जाता है, फिर 3 सीढ़ियाँ चढ़ो फिर फ्लैट एरिया आ जाता है। तो तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए काफ़ी अच्छी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और रेलिंग का काम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, खाली पार्टीशन दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ 360 व्यू। जैसे जैसे हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती नजर आ रही है, और काफी सांस चढ़ रहा है, लग रहा है हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ऑक्सीजन का दबाव भी यहाँ पे कम है, जिससे कि सांस चढ़ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, हम आराम से चलेंगे धीरे धीरे रुकते हुए। लेकिन जितना मैं सोच रहा था टफ है कि, लेकिन उतना टफ नहीं है, आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये देखिए, ये है खच्चरों का रास्ता, ये यहाँ से जाते हैं घोड़े वाले, ये रास्ता पूरा है। ये देखिए, ये नीचे तक ये रास्ता जा गया हुआ है। ये सामने भी कोई मंदिर है, और उसके पीछे पीछे बर्फ की पहाड़ियां भी हैं, आप देखिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ जी टेम्पल के द्वार पर, आप देखिए मेरे पीछे ये है द्वार। अब यहाँ से चलेंगे अंदर और फिर करेंगे मुक्तिनाथ जी के दर्शन। चलते हैं मंदिर के अंदर। काफी टाइट है ये, चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, टूटा हुआ भी है इसका, ये रिंग जो है टूटा हुआ है। चलते हैं अभी आगे। ये देखिए प्रवेश द्वार, दोस्तों लगभग मैंने आपको पूरी सीढ़ियां भी दिखाने की कोशिश की है, और आगे भी मैं आपको अभी यहाँ का जो भी दृश्य होगा वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा भी बड़ा आ रहा है, ठंड अब उतनी नहीं है, धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ पे शालिग्राम की जो तस्वीरें लगी हुई हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो नेपाली में लिखा हुआ है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं मैं काफ़ी क्लोज से आपको दिखा रहा हूँ। ये है यज्ञशाला। तो ये यहाँ पे जो है भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं बाहर से कुछ बंदे आए हुए हैं ये, और ये देखिए विष्णु भगवान का ना स्वामी नारायण, सॉरी ये स्वामी नारायण जी की पूजा है, कोई भाई साहब ने मुझे बताया तप किया था उसने, उसको इन्हें तप किया था, यहाँ पे तप किया था, बैठा सिर पे, ये भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पे जो है इन्होंने तप किया था, उसने तप किया था उधर कुड़ाश्रम पे, कुड़ाश्रम में तप करके बार और घंटे चार महीने तक इधर तप किया था, खुले शरीर पे, कोई नहीं खुले शरीर पे। तो इन्होंने यहाँ पे जो है नग्न अवस्था में तप किया था, कोपिन पहना था, कोपिन पहना था, कोपिन पहना था, और उन एक ही कपड़े में उन्होंने यज्ञ किया था। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे ठंड है, और चार महीने यहाँ पे तप करना बिना कपड़ों के एक ही कपड़े में कितना मुश्किल काम है, आप देख सकते हैं, भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता, भगवान के सिवा वाकई कोई नहीं करता, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बड़ा या छोटा मंदिर हो, सभी मंदिर एक ही शैली पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये कल्चर है नेपाल का जो काफी अच्छा लगता है, और काफी सुंदर भी हैं यहाँ के मंदिर। यहाँ पे लगी हुई हैं कुछ घंटियाँ,
ये देखिए, ये आगे भी लगी हुई है। हमारी एक सवारी ने यहाँ से खच्चर किया था और हमारा बैग खच्चर वाले के पास रह गया, तो मैं वापस नीचे आया था ऊपर से घूम के। यहाँ आने के बाद बैग तो नहीं मिला, लेकिन मैंने यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये लोग वहाँ पे जो मुक्तिनाथ मंदिर है वहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे ये लोग सामान जमा कर देते हैं। तो चलते हैं फिर एक बार दोबारा से मंदिर की तरफ। अभी मैंने दर्शन भी नहीं किए हैं, मैं वहीं से सीढ़ियों से वापस आ गया था ऊपर जा कर के, और दोबारा से मैं फिर जा रहा हूँ अब वही ट्रैक और वही सीढ़ियाँ तय करके, और पता करता हूँ कि हमारा बैग वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि वो बैग हमारा मुश्किल है मिलना, क्योंकि इनकी जो ये जो जैकेट पहनते हैं ऊपर येलो कलर की, इस पर एक नंबर लिखा होता है, तो हमारी उस सवारी ने उसका नंबर नोट नहीं किया, इस वजह से शायद हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम ढूंढने की, अगर मिल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं मिला तो फिर देखा जाएगा। तो चलते हैं अभी मंदिर। तो जो मेरे साथ ग्रुप में मेंबर थे सभी ने लगे दर्शन कर लिए हैं, लेकिन एक बैग गुम होने की वजह से मेरे को नीचे दोबारा जाना पड़ा, तो मैं अभी दोबारा आया हूँ और मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ पे भीड़ भाड़ है। और ये है वो 108 धाराएं जल की, धाराओं का पानी काफ़ी ठंडा है और टेम्परेचर है लगभग -1 डिग्री, और मुझे करना है इसमें स्नान। 108 धाराओं का जरूर कोई ना कोई मीनिंग होगा, जैसे कहते हैं भगवान विष्णु के 108 मंदिर हैं, उनमें से 107 मंदिर जो है वो हिंदुस्तान में है और एक मंदिर जो है वो नेपाल में है। तो मैं ये आपको 108 जल की धाराएं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर ये बैल का मुंह सबका बना हुआ है, उसी में से ये पानी आ रहा है, तो हो सकता है ये नंदी जी का सिंबल बनाया हुआ हो, नंदी जी के रूप में ये यहाँ पे लगाए हुए होंगे। तो ये समाप्त हुई 104 जल की धाराएं। इसके बाद ये हैं दो कुंड, एक को कहा जाता है पाप कुंड और दूसरा कहते हैं पुण्य कुंड। तो पहले लोग इसमें स्नान करते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं पुण्य कुंड में, तो फिर करते हैं पुण्य कुंड में स्नान। काफ़ी ठंडा पानी है और मुझे भी इसमें स्नान करना है। पहले 108 जल की धाराओं में स्नान करेंगे और उसके बाद पाप और पुण्य कुंड में स्नान करेंगे। तो -1 डिग्री टेम्परेचर में अब कैसे स्नान किया जाएगा, तो देखते हैं अभी और करते हैं कोशिश स्नान करने की। देखिए कितने ठंडे पानी में लोग कैसे स्नान कर रहे हैं, 108 जल की धाराओं का आनंद ले रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने ये स्नान अपना पूरा कर लिया है और अब चलते हैं पाप कुंड में, और पाप कुंड में करते हैं स्नान। ये पाप कुंड में भी मैं अब चला गया हूँ, ये पैर स्लिप हो गया और यहाँ से मैं हिम्मत नहीं हो रही है डुबकी लगाने की, तो अभी चलते हैं पुण्य कुंड में। पुण्य कुंड में कोशिश करते हैं डुबकी लगाने की। तो ये पुण्य कुंड है और अब इसमें मैं स्नान करूँगा। काफ़ी ठंडा पानी है, हिम्मत नहीं हो रही है, ये अपना स्नान हो गया जी। और अब चलते हैं बाहर कपड़े चेंज करके और फिर लगते हैं मंदिर की लाइन में और करते हैं भगवान मुक्तिनाथ जी के दर्शन। अब मैं जा रहा हूँ लाइन में लगने के लिए। तो आज बड़े दिनों की तमन्ना मेरी पूरी है, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मुक्तिनाथ धाम पहुँचूँगा, लेकिन आज भगवान विष्णु ने अपनी कृपा दिखाई और मैं पहुंच गया मुक्तिनाथ धाम। तो देखिए अब मैं लाइन में लग चुका हूं। ये जो मेरे पीछे आप द्वार देख रहे हैं, इसी द्वार से मैं अंदर गया और मैंने दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करके फिर मैं आया हूँ बाहर। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा मंदिर और मंदिर का पूरा व्यू, आप देखिए कितना शानदार मंदिर। आपको बताइए मंदिर में आजकल वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा सका, लेकिन मैं बाहर से आपको व्यू दिखा देता हूँ।
गौतम बुद्ध स्तूपा, और ये एक ऐसे धाम है जहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोग एक साथ पूजा पाठ करते हैं। कितनी आस्था है दोनों धर्मों में एक साथ, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। ये देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बहुत ही शानदार। ये है ज्वाला माई का मंदिर। ये ज्वाला माई मंदिर, मैं सोच रहा था शायद यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ आप वीडियो बना सकते हैं, तो मैं भी आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। मुक्तिनाथ जी के दर्शन हो गए हैं, और साथ साथ भगवान बुद्ध के भी, और साथ साथ ज्वाला माई के भी। तो अब सभी के दर्शन हमने कर लिए हैं, और यहाँ से हमारा जो दर्शन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम चलेंगे अपनी गाड़ी पर। तो ये यहाँ पे एक हेलीपैड भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ शायद मोस्टली वीआईपी ही आते होंगे इस पर। आम आदमी को शायद कन्फर्म नहीं है, शायद आम आदमी नहीं आ पाते होंगे, वीआईपी ही यहाँ पे आते होंगे हेलीकॉप्टर से। तो ये एक हेलीपैड यहाँ पे बना हुआ है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ असली शालिग्राम के। ये जो सामने आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये है असली शालिग्राम। और अब वीडियो को विराम देने का समय आ गया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।